बच्चों आज हम साइंस का चैप्टर वन बायोलॉजी स्टार्ट ले रहे हैं। बायोलॉजी का चैप्टर वन और आपकी एनसीईआरटी में चैप्टर सिक्स है लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट चैप्टर है इस बार ही आपको। सो लाइफ प्रोसेस तो स्टार्ट लेते हैं चैप्टर। लाइफ प्रोसेस है ना, तो उसका मतलब क्या होता है? सो ऑल द प्रोसेसेस विच आर नेसेसरी टू मेंटेन लाइफ इन एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होते हैं जो मतलब जो नेसेसरी है लाइफ मेंटेन करने के लिए एक ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, ऑर्गेनिज्म कई कुछ भी हो सकता है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। ठीक है, सो किसी भी ऑर्गेनिज्म में लाइफ को मेंटेन करने के लिए, लाइफ बनाए रखने के लिए, ठीक है, जो प्रोसेसेस जरूरी हैं उन्हें लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है। ठीक है, सो ऑल द प्रोसेसेस विच आर नेसेसरी टू मेंटेन लाइफ इन एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, सो चार तरह के लाइफ प्रोसेस हम थ्रू आउट द चैप्टर, इस पूरे चैप्टर में चार लाइफ प्रोसेस डिटेल में पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन, देन रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। तो चार लाइफ प्रोसेस हम पढ़ेंगे और लाइफ प्रोसेस का मतलब यही होता है वो सारे प्रोसेस जो आपकी लाइफ बनाए रखने के लिए चाहिए हमें। ठीक है, आप देखो ये चारों लाइफ प्रोसेस हमें हमारी लाइफ बनाए रखने के लिए चाहिए। न्यूट्रिशन, ऑब्वियसली हम न्यूट्रिशन इनटेक ऑफ फूड खाना लेंगे तो ही तो मतलब खाना लेंगे तो एनर्जी मिलेगी। इसके बाद रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन भी बहुत जरूरी है। ट्रांसपोर्टेशन वर्ड का मतलब भाई ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। देन फाइनली एक्सक्रीशन, ठीक है, जो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स है। इसमें से जो फर्स्ट और लास्ट टॉपिक है आपका न्यूट्रिशन एक्सक्रीशन बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है। और न्यूट्रिशन तो मेरे ख्याल से आप लोग स्टैंडर्ड सिक्स स्टैंडर्ड से न्यूट्रिशन वर्ड आपने देखा हुआ है। ठीक है, सो आपने बहुत अच्छे से डिटेल से स्टैंडर्ड सिक्स से ही आप पढ़ते आ रहे हो कि न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, सो लाइफ प्रोसेस अगेन वो प्रोसेसेस जो जरूरी हैं आपकी लाइफ मेंटेन करने के लिए, एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ मेंटेन करने के लिए, उसे हम कहेंगे लाइफ प्रोसेसेस। अच्छा, इस चैप्टर में आप लाइफ प्रोसेस चैप्टर में जो देखो लाइफ सब में होती है। ठीक है, एक छोटे से जीव, बड़े से जीव, छोटे प्राणी, बड़े प्राणी, सब में लाइफ है। ठीक है, पर इस चैप्टर में, पर्टिकुलर इस चैप्टर में आप सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स को सोच के ये चैप्टर पढ़ोगे। ठीक है, और कोई नहीं। ठीक है, मतलब लाइफ आप कहोगे कि फिर इसमें भी तो लाइफ है, उसमें भी तो लाइफ है, कि ये चल रहा है इसमें लाइफ है, तो आप इस चैप्टर में सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स को सोचते हुए ही ह्यूमन बींग्स, ठीक है, प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स को सोचते हुए ही आप लाइफ प्रोसेस पढ़ोगे, प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स को। ठीक है, और जो ज्यादा ज्यादा कहीं अमीबा वगैरह आएगा, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, सो उसके बारे में, तो मोस्टली ये पूरा चैप्टर आप प्लांट्स को सोचते हुए और ह्यूमन बींग्स को सोचते हुए पढ़ोगे। ठीक है, प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स को सोचते हुए आपको ये चारों लाइफ प्रोसेस पढ़ने हैं। ठीक है, सो बहुत ही बेसिक चैप्टर है बायोलॉजी का। अगर कुछ लोग इंटरेस्ट रखते हैं बायोलॉजी में, फ्यूचर अपना बायो में सोचते हैं, सो दिस इज द बेसिक फॉर देम, उनके लिए बेसिक है। सो मैंने आपको कहा चार तरह के लाइफ प्रोसेस होते हैं, फोर टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेस आर देयर, जो कि बहुत जरूरी है एक ऑर्गेनिज्म के लिए, उसका जो लिविंग एग्जिस्ट करने के लिए भाई, उसका लिविंग चलाने के लिए। सो फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन। ठीक है, सबसे पहला प्रोसेस है न्यूट्रिशन, इज द सबसे फर्स्ट प्रोसेस। सो न्यूट्रिशन क्या है? द मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, इन आवर बॉडी। द मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड इन अवर बॉडी या न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन वर्ड से आया न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है, ये सब होते हैं रफेज, ठीक है, मिनरल्स। सो द मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, इनटेक मतलब लेना, ठीक है, मोड मतलब तरीका। द मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड न्यूट्रिएंट्स जो कि हैं, न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है। सो मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स एनर्जी गिविंग फूड कहे जाते हैं, ठीक है, इन तीनों से हमें एनर्जी मिलती है। इवन मिनरल्स और विटामिन्स भी इतने ही ज्यादा जरूरी है, मिनरल्स विटामिन्स भी बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे शरीर के लिए। और जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और जो प्रोटीन्स और फैट्स हैं वो मेजर न्यूट्रिएंट्स कहे जाते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के, ठीक है। सो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, अच्छा किस किस तरह से न्यूट्रिशन अंदर लिया जाता है? सो न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, एक ऑटोट्रॉफिक और एक हेटरोट्रॉफिक, ठीक है। सो जैसे ऑटोट्रॉफिक वर्ड आता है, ठीक है, न्यूट्रिशन दो तरह का होता है,
आप दो तरह से पोषण ले सकते हो, दो तरह से पोषण ले सकते हो। एक है ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब ऑटोट्रॉफिक मोस्टली मोस्टली नहीं, ऑटोट्रॉफिक करते ही ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, ठीक है। सो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है द न्यूट्रिशन इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, ठीक है। सो जब ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। जो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं उसे हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और हिटरोट्रॉफिक क्या होता है? हिटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, हिटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में थ्री टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटो, ऑटो मतलब अपना खाना खुद बनाना। ऑटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब अपना खाना खुद बनाना। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, वो किसी पे निर्भर नहीं होते हैं, उनको सिर्फ सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, वाटर चाहिए और वो बना लेते हैं अपना खाना, ठीक है। सो वो किसी पे निर्भर नहीं होते, बहुत ही सिंपल सब्सटेंसेस से, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से वो अपना खाना बना लेते हैं। बट जब आप हेटरोट्रॉफिक की बात करो, सो हेटरोट्रॉफिक, हेटरोवर्ड का मतलब होता है दूसरों पर निर्भर करना। हेट्रो मतलब डिपेंडिंग ऑन अदर्स, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रॉफिक क्या है? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में थ्री टाइप्स हैं, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, होलोजॉइट, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में थ्री टाइप्स हैं, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, होलोजॉइट, ठीक है। सो सेप्रोफिटिक क्या है? सेप्रोफिटिक में एग्जाम्पल है फंगाई और ईस्ट। अच्छा, सेप्रोफिटिक क्या होते हैं? सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग मैटर पे एक्ट करता है अपने फूड के लिए, मरे हुए, ठीक है, मरे हुए जीव पे एक्ट करता है अपने खाने के लिए, उसे कहते हैं फंगाई। एग्जांपल है फंगाई और ईस्ट, डेड और डिकेइंग, सड़े हुए। इवन आप आपके घर में ब्रेड रख दो बहुत सारे टाइम के लिए, यूज ना करो, सो उसके ऊपर आप थोड़े टाइम के बाद देखोगे कि भाई ग्रीनिश ग्रीनिश, ठीक है। सो दैट इज, तो यही आप मतलब सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन ही हुआ ना। और उसके बाद फिर इवन सड़क पे कोई जानवर वगैरह मरा होता है, सो वो भी उस पर भी ऑर्गेनिजम्स जो एक्ट करते हैं, सो दैट इज सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक में डेड और डिकेइंग पे से अपना खाना लिया जाता है, और एग्जाम्पल है फंगाई और ईस्ट, ठीक है। फिर पैरासिटिक में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो होस्ट की बॉडी पे रह के उससे न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। उसको मारता नहीं है, उस पे रह के उससे न्यूट्रिशन लेता है। पैरासिटिक का अगर मैं समझने वाला एग्जांपल बोलूं तो जुए, ठीक है, सर पे जो जुए होती हैं वो क्या करती हैं, लाइस, वो सर पे आप खून पीती हैं, ठीक है, आपको मार नहीं डालती हैं, वो आप ही के सर पे रहती हैं, हाँ आपको नुकसान करती हैं। सो वो मतलब नुकसान इन द सेंस, हाँ नुकसान तो करेंगी, सो वो आपका खून पीती हैं, वो आपके शरीर पे रह के आपका खून पीती हैं, ठीक है। सो पैरासिटिक वो हुई कसकट्टा, प्लास्मोडियम, ठीक है, ये दोनों जो हैं ये पैरासिटिक के एग्जांपल्स हैं। भाई दूसरे पे निर्भर, ये ऑर्गेनिजम्स दूसरे पे निर्भर करते हैं खाने के लिए, उन्हीं के शरीर पे रह के उन्हीं से ही खाना लेते हैं, बदले में उनको कुछ नहीं देते हैं, उनका बस फायदा उठाते हैं, ठीक है, उनका कुछ मतलब सामने वाले का कुछ फायदा नहीं, खुद का फायदा कर लेते हैं, ठीक है। सो दोज आर पैरासिटिक, ठीक है। सेप्रोफिटिक कौन होते हैं? सेप्रोफिटिक मरे हुए पे, डेड एंड डिकेइंग पे, ठीक है, मरे हुए को भी नहीं छोड़ते हैं, दोज आर सेप्रोफिटिक। पैरासिटिक दूसरों पे रह के उनका फायदा उठाते हैं। सो लास्ट है होलोजोइक। होलोजोइक में, होलोजोइक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जब हम खाने से न्यूट्रिशन लेने के लिए उसको खाते हैं, मतलब अंदर जो भी होता है, अंदर होता है बॉडी के अंदर। देखो यहाँ क्या था, यहाँ डेड पे था, डेड डिके पे वो दिखता है, ये था उसकी बॉडी पे, होस्ट की बॉडी पे। बाकी होलोजोइक होता है हम अपने शरीर में खुद के अंदर प्रोसेस करते हैं, डाइजेशन करते हैं ना, तो दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। हम अपना न्यूट्रिशन अपने अंदर खुद करते हैं, ठीक है। सो मतलब हाँ हम हेटरोट्रॉफ्स हैं पर हम अपना न्यूट्रिशन अपने अपने अंदर ही करते हैं, जो भी भाई डाइजेशन है तो हमारे अंदर ही होगा, ठीक है। सो होलोजोइक न्यूट्रिशन भाई जब आप अपने अपने न्यूट्रिएंट्स खुद लेते हो, ठीक है, आप ना मरे हुए पे निर्भर कर रहे हो ना जिंदे पे, आप अपना न्यूट्रिशन का प्रोसेस खुद चला रहे हो अपने अंदर, डाइजेशन। सो होलोजोइक न्यूट्रिशन वो होता है, एग्जाम्पल मैन है, ऑब्वियसली हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, इवन एनिमल्स के अंदर ही डाइजेशन होता है, डॉग के अंदर होता है, और इवन अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, आपने जो मेरे ख्याल से 6th-7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। सो अमीबा का भी ऐसे ही अंदर होता है, ठीक है, वो फूड इनगल्फ करता है, यहाँ पे
सूडोपोडिया से खाना अंदर लेता है और सारा अंदर ही प्रोसेस होता है, फिर एक्सक्रीट बाहर करता है, ठीक है। सो डाइजेशन है वो अमीबा के अंदर होता है, ठीक है। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अमीबा है होलोजाइक न्यूट्रिशन का, जो जिसके शरीर के अंदर डाइजेशन होता है, और जो मल्टीसेलुलर है, जो बड़े ऑर्गेनिजम्स है, उनमें मैन और डॉग है, ठीक है। सो ये बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन थी न्यूट्रिशन को लेके। सो लाइफ प्रोसेस इसके टोटल चार हैं। सो फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन का हमने सिर्फ स्टार्टिंग ही लिया है, अभी तो हमें पढ़ना है कि भाई हमें अभी अभी क्या पढ़ना है। सो हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के अंदर, हम ये फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे और हम ये मैन में जो डाइजेशन होता है, ठीक है, ये जो डाइजेशन प्रोसेस होता है मोनोजोइक की वजह से, सो हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। सो बेसिकली हमें अभी न्यूट्रिशन टॉपिक में फोटोसिंथेसिस और डाइजेशन में पढ़ना है, ठीक है। सो बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से इतना टफ चैप्टर नहीं है, मोस्टली जिनको बायो हेटर्स हैं, जिनको बायो पसंद नहीं है, पर ये बहुत ही सिंपल से टॉपिक है, ठीक है। सो आप इसके साथ आइडेंटिफाई कर पाओगे, और इसलिए इनको बायो के शुरुआत में रखा गया, बहुत ही सिंपल से टॉपिक्स हैं, ठीक है। सो विल बी स्टार्टिंग विद अवर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सो दिस वॉज अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑनली। आप ये जो फ्लो चार्ट है आपकी नोटबुक में बना लेना, मतलब जब भी चैप्टर स्टार्ट होगा एटलीस्ट आइडिया आएगी भाई चैप्टर क्या है। बच्चों अभी हम जो न्यूट्रिशन है उसमें हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, जो कि है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। देखो मैंने आपको क्या बोला, हम इस चैप्टर में चार लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हम प्लांट्स और एनिमल्स या प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स को सोचते हुए करेंगे न्यूट्रिशन। सो प्लांट्स को जब हम सोचते हैं तो प्लांट्स न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। ये भी मेरे ख्याल से आप स्टैंडर्ड 6 स्टैंडर्ड 7 से पढ़ते आ रहे होंगे, भाई प्लांट्स भाई ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। और जो दूसरा आप दूसरा टाइप पढ़ोगे वो है डाइजेशन, जो कि हम ह्यूमंस में होता है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे न्यूट्रिशन में आप अभी फोटोसिंथेसिस और डाइजेशन पढ़ोगे। सो जो ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं, सो वो क्या करते हैं, सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो प्लांट्स है अपना न्यूट्रिशन, ऑटो मीन्स सेल्फ, ठीक है, अपना न्यूट्रिशन खुद लेना। सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। सो फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स क्या है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अच्छा, फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब लाइट, सनलाइट, सिंथेसिस मतलब टू प्रिपेयर, ठीक। अगर आप फोटोसिंथेसिस वर्ड को ब्रेक करो, फोटो मीन्स सनलाइट, सिंथेसिस मतलब टू प्रिपेयर, ठीक है। सो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सो डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मतलब जो ग्रीन प्लांट्स अपने लिए न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ, किससे बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रॉ मटेरियल क्या यूज होता है, रॉ मटेरियल मतलब किस चीज से बनता है। सो रॉ मटेरियल में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या क्या लगता है, सो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लगता है, और क्या लगता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट और क्लोरोफिल लगता है। So, मिलता क्या है, मिलता है ग्लूकोज, या जिसको कार्बोहाइड्रेट्स भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6, और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है, ये ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होगी, ठीक है। सो मैंने यहाँ जैसे ये डेफिनेशन लिखी, उसके हिसाब से इक्वेशन लिखी है फोटोसिंथेसिस की, CO2+H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल गिव्स C6H12O6+O2। ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, हमने चैप्टर 1 में बैलेंसिंग सीखा था, कर लेते हैं बैलेंस, ठीक है। सो यहाँ होगा 6CO2, 6H2O और यहाँ होगा आपका 6, ठीक है। सो मैंने इसको बैलेंस कर लिया, मैंने पहले अनबैलेंस लिखा था, जस्ट आई बैलेंस्ड इट, ठीक है। सो फिर से तो देखो, ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल,
और वो क्या सिंथेसाइज करते हैं, ग्लूकोज, और क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा, सो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। सो ये प्रोसेस कुछ स्टेप्स में होता है, ठीक है, ऐसे नहीं एकाएक ये प्रोसेस नहीं हो जाता, अचानक से ये प्रोसेस नहीं हो जाता है। सो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कुछ स्टेप्स लगते हैं जिसे हम इवेंट्स भी कहते हैं, आपकी एनसीईआरटी में इवेंट्स वर्ड यूज किया गया, स्टेप्स या इवेंट्स, ठीक है, स्टेप्स या इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सो क्या इवेंट्स होते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हाट आर द इवेंट्स है, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। बहुत ही सिंपल सी चीज है, क्योंकि छोटे से स्टैंडर्ड, मतलब आप अपने स्मॉल स्टैंडर्ड से ये पढ़ते हुए आ रहे हो, सो आपको कुछ नया नहीं लगेगा। सो फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहला काम क्या होता है फोटोसिंथेसिस, पहला स्टेप या पहला इवेंट, पहला काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो ये क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल क्या एब्जॉर्ब करता है, लाइट एनर्जी, ठीक है। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर पिगमेंट होता है जो कि प्रेजेंट होता है प्लांट में, सो वो क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो सनलाइट है, देखो सनलाइट तो गिर रही है पर वो प्लांट को ही मिले, वो कौन अश्योर करता है, क्लोरोफिल, ठीक है। दैट ग्रीन कलर पिगमेंट इन प्लांट अश्योर्स दैट कि वो सनलाइट वो एब्जॉर्ब करे और प्लांट को दे, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ये होता है, जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है प्लांट में आके, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, जो हम वाटर देते हैं नीचे प्लांट को, ठीक है, यहाँ पे देखो ये सब जो प्लांट है, ठीक है, सो दिस इज अ प्लांट, यहाँ ये सन है, ठीक है, सो यहाँ पे देखो सनलाइट पड़ी, ठीक है, सो लाइट एनर्जी प्लांट में जाके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, ठीक है। सो यहाँ पे जो वाटर था, सो वाटर का ब्रेक डाउन क्या हो गया, एच प्लस ओ एच, ठीक है, वाटर कैसे ब्रेक डाउन हो गया, एच और ओ एच में ब्रेक डाउन हो गया, एच टू ओ वाटर था वो एच में और ओ एच में ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। सो अब क्या होगा, सो अब कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब इस सेकेंड स्टेप में खास बात का ध्यान ये रखना है कि जो सेकेंड स्टेप होता है उसमें सनलाइट की प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। जो ये ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, ये जो वाटर ब्रेक डाउन हो रहा है वो सनलाइट की प्रेजेंस में ही ब्रेक होता है, ठीक है। सो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट होते हैं, ठीक है। सो अब क्या नेक्स्ट क्या होगा, सो नेक्स्ट स्टेप होगा आपका, सॉरी वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट होते हैं, ठीक है। जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट होते हैं। सो किसकी वजह से, जो ये सनलाइट गिरती है, सनलाइट कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी एंड कन्वर्ट्स वाटर मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट होता है, ठीक है। जो वाटर मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट होता है, ठीक है। सो यहाँ आगे टू लगाएंगे, यहाँ आगे टू, सो आप यहाँ देखें टू टू जा फोर, टू टू जा फोर, और यहाँ ऑक्सीजन टू, ठीक है। सो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है, स्प्लिट होता है, ठीक है। सो इस तरह से अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है, ये देखो ये ऑक्सीजन तो ये रिमूव हो गई, ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में चली गई, सो अब ये हाइड्रोजन रह जाएगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन अभी रह जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, सेकेंड स्टेप में सनलाइट की प्रेजेंस में भाई सनलाइट कन्वर्ट हुई केमिकल एनर्जी, और उसकी वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो ब्रेक हुए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, ठीक है, देखो ऑक्सीजन तो यहाँ चला गया, ठीक है, सो ऑक्सीजन हम लोग एब्जॉर्ब कर लेंगे ह्यूमन बींग्स। पीछे क्या छूटा, पीछे छूटा हाइड्रोजन, ठीक है। सो ये हाइड्रोजन कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, सो ऑलरेडी प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन ही ये है कि फोटोसिंथेसिस में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अभी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज तो बाकी है ना, सो थर्ड स्टेप में उसका यूज होगा। सो कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो हाइड्रोजन बचेगी ना, सो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ये जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ
अटैच हो जाएगी और क्या बनाएगी, C6H12O6। ठीक है, आपने फर्स्ट चैप्टर में रिडक्शन पढ़ा था। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, ठीक है, सो इसलिए यहाँ रिडक्शन वर्ड यूज हुआ है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। सो फिर से और देखो जो सेकेंड स्टेप है ना उसमें लाइट एनर्जी का प्रेजेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड स्टेप में ऐसा कुछ नहीं है, थर्ड स्टेप आप एक अभी भी हो सकता है प्लांट में, इवन नाइट में भी हो सकता है। ठीक है, सो इस तरह से रिडक्शन हुआ, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जो हमने फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ा था। ठीक है, सो CO2+2H2C6H12O6 बनाएगा। ठीक है, सो तीन स्टेप्स हैं, जो इवेंट्स हैं, इवेंट्स हैं स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स कि भाई अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल है वो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। सेकेंड स्टेप कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में स्प्लिट कर जाते हैं और रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में। सो इस तरह से ये 3 स्टेप्स में फोटोसिंथेसिस का इवेंट होता है। अब जरूरी नहीं है एकदम से ये सारे स्टेप हो जाएंगे, भाई अभी सनलाइट मिला और अभी मतलब अभी कन्वर्ट हो गया, अभी ब्रेक डाउन, ऐसे नहीं होता है। डेजर्ट प्लांट्स होते हैं तो डेजर्ट प्लांट में वो अपने हिसाब से ये करते हैं, इवन आपकी एनसीईआरटी में भी ये लाइन दी हुई है। डेजर्ट प्लांट्स में जैसे पेज नंबर 96, ठीक है, एनसीईआरटी में पेज 96 में इन्होंने डेजर्ट प्लांट का एग्जाम्पल दिया है कि भाई जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रात के टाइम लेते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं वो मतलब और वो जो दिन को जो उनका सब्सटेंस है वो दिन को बना देते हैं, दिन को मतलब दिन और रात दोनों में ये काम मतलब डेजर्ट प्लांट है, क्योंकि डेजर्ट प्लांट्स में वाटर की कमी होती है। ठीक है, सो वो क्या करते हैं वो रात को जो डेजर्ट प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रात को ही ले लेते हैं और दिन को जो है वो अपना वो जो फूड बनाते हैं जो मतलब क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, ठीक है, मतलब सनलाइट क्लोरोफिल की प्रेजेंस में दिन को बनाते हैं। सो मतलब ये कंपल्सरी नहीं है कि एट द टाइम सारे के सारे स्टेप्स हो, ठीक है। सो यहाँ पे आपके डेजर्ट प्लांट्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, आपने क्लोरोफिल पढ़ा, ठीक है, क्लोरोफिल जो एक इम्पॉर्टेंट ग्रीन पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इम्पॉर्टेंट है। सो ये क्लोरोफिल कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, वो क्लोरोफिल मतलब कंटेन करते हैं। सो क्लोरोफिल आप मोस्टली आप ग्रीन कलर से दिखाते हो, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर से दिखाते हो। सो क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, ठीक है। अगर क्लोरोफिल नहीं होता सनलाइट एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाती, क्यों, क्योंकि मतलब सनलाइट की वजह से एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, नाम ही फोटो है, ठीक है, द नेम इटसेल्फ हैज फोटो इन इट, मींस लाइट, सनलाइट, ठीक है। सो यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया है, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, आपकी एनसीईआरटी में है। सो द क्वेश्चन इज ड्रॉ द डायग्राम शोइंग क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, लीफ का क्रॉस सेक्शन दिखाना है। सो यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं ये जो है दिस इज लीफ का क्रॉस सेक्शन किया गया, ठीक है, पहले लीफ बना तो लीफ का क्रॉस सेक्शन है। सो लीफ की जो बाहरी जो लीफ का बाहरी हिस्सा है, ठीक है, ये जो लीफ का जो बाहरी हिस्सा होता है, ठीक है, तो ये जो बाहरी हिस्सा है इसे एपिडर्मिस कहते हैं, एपिडर्मिस का मतलब आउटर लेयर या। सो यहाँ देखो और उसके बाहर एक वैक्सी क्यूटिकल होता है, इसकी प्रोटेक्शन के लिए वैक्सी क्यूटिकल होता है। सो यहाँ देखे यहाँ ने लीफ बनाया है, सो यहाँ देखे सबसे ऊपर है वैक्सी क्यूटिकल है, फिर ये अपर एपिडर्मिस है, ठीक है, ये वैक्सी क्यूटिकल, ये अपर एपिडर्मिस है, फिर ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, लीफ में ये सारे क्लोरोप्लास्ट है अंदर, ये ग्रीन कलर के आप बना सकते हो, राउंड राउंड क्लोरोप्लास्ट है, और ये लीफ के बीच में एयर स्पेसेस हैं, ठीक है, जो ब्रीदिंग के लिए एयर स्पेसेस हैं, ठीक है, और फिर ये गार्ड सेल्स हैं, ठीक है, स्टोमेटा वगैरह आपने पढ़ा था कि भाई सनलाइट गिरती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आपने पढ़ा होगा। सो और ये है लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। सो इस तरह से क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ का डायग्राम आपकी एनसीईआरटी पेज 96 पे दिया हुआ है, पेज 96 पे, ठीक है। सो वैक्सी क्यूटिकल, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, ये गार्ड सेल्स हैं, एयर स्पेसेस हैं और ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। सो ये आगे हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अभी हम नेक्स्ट वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दिस वाज़ द डायग्राम फॉर क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, ठीक है, ध्यान से देखो
वैक्सी क्यूटिकल, ये अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस, ये क्लोरोप्लास्ट है, एयर स्पेसेस है, ठीक है, और ये गार्ड सेल्स है, ठीक है. सो दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ. तो व्हाट विल बी द हेडिंग, ड्रॉ द नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, पेज नंबर 96 पे है वो, ठीक है. सो नाउ वी आर मूविंग फर्दर. बच्चों अभी देखो यहाँ पे हम अभी जो है गार्ड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे. आपकी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 97 पे फिगर 6.3 है, ये फिगर 6.3 पेज 96 पे है. सो मतलब ये जो है यहाँ में गार्ड सेल्स दिखाए हैं और स्टोमेटा दिखाया है, ठीक है. सो जो स्टोमेटा है वो टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं और वो सरफेस ऑफ लीफ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, ठीक है. छोटे छोटे पोर्स होते हैं और ये जो पोर्स है स्टोमेटा है, इनकी वजह से ही जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का आना, ऑक्सीजन का जाना, वो सब इन्हीं की वजह से होता है. तो मासिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लीव्स थ्रू दिस पोर्स फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड का स्पेशली आना, ठीक है. सो ये किसकी वजह से पॉसिबल होता है, स्टोमेटा की वजह से, ठीक है. सो और ये जो गैसेस का एक्सचेंज है थ्रू आउट द प्लांट होता है, मतलब स्टेम पे भी होता है, रूट्स पे भी होता है, लीव्स पे भी होता है, सब जगह होता है. सो सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दिस स्टोमेटा दिस प्लांट्स. अब देखो जब ये स्टोमेटा क्या है, ये इस तरह से खुलते हैं, ठीक है. सो यहाँ देखो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा है, ये क्लोजिंग. सो ओपनिंग, जब वो ओपन होते हैं तो वो ओपन क्यों होते हैं, कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो प्लांट में. पर अगर ये ओपन ही रह जाएंगे सो जो प्लांट में पानी है, वाटर है, वो चला जाएगा ना बाहर. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो पानी भी तो चाहिए, वाटर, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो आएगा पर वाटर तो चला जाएगा. मतलब इससे क्या होगा, वाटर लॉस होगा, H2O का लॉस हो जाएगा. सो इसलिए इनका क्लोज होना भी जरूरी है, ठीक है. हमेशा ये जो ओपनिंग, अगर ये ओपन ही रहेंगे सो जो होगा वाटर का लॉस हो जाएगा, ठीक है. सो सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दिस स्टोमेटा, ठीक है. इन स्टोमेटा से गैसेस एक्सचेंज तो हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है. स्टोमेटा की वजह से गैसेस आ रही है, पर अगर स्टोमेटा अगर खुले ही रह जाएंगे तो क्या होगा, वाटर का भी लॉस होगा. सो द प्लांट्स क्लोजेस इट्स पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस. तो उस टाइम क्या करते हैं, स्टोमेटल पोर्स को क्लोज कर देते हैं. सो क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा क्यों होता है, ताकि वाटर का लॉस ना हो. ओपन क्यों होता है, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड मिले प्लांट को. और स्टोमेटल पोर क्लोज क्यों होता है, ताकि वाटर का लॉस ना हो. सो ये हमने फिगर में ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा बनाई है और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है. आपको भी इस व्हाइट बोर्ड पे मैं जितना भी कर रही हूँ आपको भी करना है. सो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा है, इसमें देखो ये गार्ड सेल्स है, ठीक है. ये जो किडनी शेप्ड होते हैं, दीज आर गार्ड सेल्स. इनके सरफेस पे ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है. और ये यहाँ इन्होंने दिखाया है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा और उस साइड उन्होंने दिखाया है क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है. और ये है स्टोमेटल पोर, ठीक है. ये जो सेंटर में है, दिस इज स्टोमेटल पोर, ठीक है. ये ओपन हो रही है और यहाँ देखो ये क्लोज हो गई, ये क्लोज स्टोमेटल पोर है और ये है ओपन स्टोमेटल पोर, ठीक है. सो गार्ड सेल्स है, गार्ड सेल्स गार्ड करते हैं ना स्टोमेटा को. और क्लोरोप्लास्ट तो होता ही है प्लांट्स में, और यहाँ ये ओपन हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आए या क्लोज हो रहे हैं ताकि पानी यहाँ से चला ना जाए, ठीक है. अच्छा, गार्ड सेल्स का क्या फंक्शन होता है, सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स. सो गार्ड सेल्स क्यों होते हैं, द ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द पोर. कौन सा पोर, स्टोमेटल पोर. स्टोमेटा होता है ना, स्टोमेटा का ओपनिंग, ये स्टोमेटा है. सो स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स. इनका ओपन होना क्लोज होना किसका फंक्शन है, गार्ड सेल्स का ही फंक्शन है. द गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम, ठीक है. गार्ड सेल्स जब पानी उनके अंदर जाता है सो गार्ड सेल्स फूल जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, कॉजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन. मतलब जैसे ही पानी गार्ड सेल्स में जाता है वो फूल जाते हैं और इस फूलने की वजह से स्टोमेटल पोर क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, ठीक है. सिमिलरली द पोर क्लोजेस इफ द गार्ड सेल्स श्रिंक.
मतलब पानी जब गार्ड सेल्स मतलब जब पानी का पानी चला जाता है गार्ड सेल्स में तो श्रिंक हो जाते हैं, ठीक है, ये श्रिंक हो गए, सिकुड़ गए, और सिकुड़ने की वजह से जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाता है। पानी की वजह से स्वेल होता है स्टोमेटा, और जब वो पानी की वजह से स्वेल होता है स्टोमेटा ओपन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले पाता है, पानी की कमी के कारण जब वो श्रिंक होता है गार्ड सेल तो वो जो स्टोमेटल जो है स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाता है, और उसकी वजह से उस टाइम क्लोज होने की वजह से पानी की कमी का नुकसान कम होता है, ठीक है। सो दिस मतलब स्टोमेटा इम्पोर्टेंट है क्यों, क्योंकि जो गैसेस का एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड का आना वो बिकॉज ऑफ स्टोमेटा ही होता है, स्टोमेटा के सर्फेस पे ये सब होता है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन फोटोसिंथेसिस। अच्छा, अभी आपकी एनसीईआरटी में दो एक्टिविटीज की हुई है, एक्टिविटी 6.1, एक्टिविटी 6.2, ठीक है। पेज 96 पे, दिस इज पेज 96, पेज 96 पे ये एक्टिविटी 6.1 की है इन्होंने, ठीक है, मैं डिस्कस कर रही हूँ पेज 96 की एक्टिविटी। इसमें आपको पेज 96 की एक्टिविटी में बिफोर एंड आफ्टर स्टार्च टेस्ट। अच्छा, स्टार्च टेस्ट क्या होता है, इसके लिए स्टार्च टेस्ट के लिए आपको स्टैंडर्ड 6 में जाना पड़ेगा। आप स्टार्च टेस्ट स्टैंडर्ड 6 में पढ़ के आए थे। स्टार्च टेस्ट मतलब किसी भी सब्सटेंस में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं, तो हम कैसे पता करते हैं किसी भी सब्सटेंस में स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं, हम उस पे आयोडीन टेस्ट करके पता करते हैं। उस सब्सटेंस में हम आयोडीन डालते हैं, अगर वो सब्सटेंस ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है तो हम कहेंगे उसमें स्टार्च है। किसी भी सब्सटेंस में स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज ये सब है कि नहीं, वो आयोडीन टेस्ट से पता लगता है। अगर आपको स्टार्च का प्रेजेंस पता करना है तो आपको वो सब्सटेंस में आयोडीन डालना पड़ेगा। आयोडीन के डालने की वजह से वो सब्सटेंस ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा और आप कहोगे कि वो भाई उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। अगर सब्सटेंस का कलर सेम टू सेम रहा तो आप कहोगे भाई इसमें स्टार्च नहीं है। सो अच्छा, हमें प्रेजेंस ऑफ स्टार्च क्यों पता, यहाँ क्यों चाहिए, हम प्रेजेंस ऑफ स्टार्च क्यों चाहिए। सो देखो, स्टार्च, स्टार्च का प्रेजेंस होना मतलब कार्बोहाइड्रेट, ऑब्वियसली कार्बो, स्टार्च इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। स्टार्च एक सिंपल फॉर्म है, स्टार्च, शुगर ये सब सिंपल फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट्स के। सो अगर स्टार्च का होना मतलब कार्बोहाइड्रेट का होना, कार्बोहाइड्रेट का होना मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ था, ठीक है। सो ये एक्टिविटी है कि भाई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ था कि नहीं हुआ था इस लीफ में, वो चेक करने की ये एक्टिविटी है। सो एक्टिविटी 6.1 में आप देखो दो लीफ दिखाए हैं इन्होंने, ए और बी, ठीक है। ए में ग्रीन कलर, देखो वेरिगेटेड, वेरिगेटेड लीफ मतलब ये लीफ मिक्स कलर्स में है, ठीक है, ग्रीन कलर भी है और दूसरे कलर भी है, ठीक है। सो ग्रीन कलर पार्ट, सो टेक अ पॉटेड प्लांट विद वेरिगेटेड, फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट और क्रोटॉन्स, एक मनी प्लांट का कोई भी पॉट ले लो। कीप द प्लांट इन अ डार्क रूम फॉर 3 डेज सो दैट ऑल स्टार्च गेट्स यूज्ड अप। तो ये इस प्लांट को 3 दिन एक बंद रूम में रख दो, अंधेरे रूम में, और अब इसी प्लांट को 6 घंटे के लिए सनलाइट में रख दो। सो अब इसमें से पहले एक अंधेरे रूम में रखो, मतलब अंधेरे रूम में क्यों रखा कि जितना भी अगर कार्बोहाइड्रेट हो वो चला जाए, ठीक है। फिर से 6 घंटे फिर सनलाइट में रखो, फिर प्लक अ लीफ फ्रॉम द प्लांट, मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट एंड ट्रेस दैम ऑन द शीट ऑफ पेपर। अब उसको सनलाइट में रखो तो जो ग्रीन पार्ट होगा वो ग्रीन हो जाएगा 6 घंटे रखने के बाद। सो जो 6 घंटे जो ग्रीन पार्ट है उसको थोड़ा सा ट्रेस कर दो, उसको थोड़ा कलर भाई उसके आजूबाजू थोड़ी बॉर्डरिंग कर दो। अब इस पानी को, इस लीफ को तोड़ के इस लीफ को एक बॉइलिंग वाटर में डाल दो थोड़े टाइम के लिए, और इसके बाद इस लीफ को फिर एक अल्कोहल, जो बीकर कंटेनिंग अल्कोहल में डालो। फिर अब व्हाट हैपेंस टू द कलर ऑफ लीफ, व्हाट इज द कलर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सो अब जो ये लीफ है, इस लीफ को अब आप इसमें डालोगे, आयोडीन सॉल्यूशन में डालोगे। सो उसको जब आयोडीन सॉल्यूशन से निकालोगे तो लीफ का कलर देखोगे, ठीक है। सो आपने क्या कंक्लूड किया, ये मतलब स्टार्च टेस्ट में आपने, अच्छा ये अल्कोहल जो आप डाल, अल्कोहल में लीफ डालते हो, सो अल्कोहल में लीफ डालने का पर्पस क्या है कि आप जो उसमें एकदम क्लियर प्रेजेंस आप देख पाओ, ठीक है। सो ऑब्जर्वेशन क्या है, ग्रीन कलर पार्ट ऑफ द लीफ गेट ब्लू कलर वाइल आयोडीन सॉल्यूशन, विथ आयोडीन सॉल्यूशन वाइट पार्ट ऑफ द मनी प्लांट लीफ डिड नॉट गेट द ब्लू कलर।
सो मतलब जो ग्रीन कलर था वो ब्लू कलर में हो गया, मतलब ब्लू पार्ट में, ग्रीन पार्ट में फोटोसिंथेसिस हुआ और जो रिमेनिंग कलर है लीफ का, जो व्हाइट कलर है, उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। सो ये एक्टिविटी करने के लिए आपने पहले इसको किस में डिप किया, पहले आपने इसको अल्कोहल में डिप किया, फिर इसके बाद आपने, क्योंकि उसके उसके अंदर अगर कोई और कंटेंट्स हो तो वो चले जाए, ठीक है। सो आपने पहले उसको अल्कोहल में डिप किया, उसके बाद आपने आयोडीन में डिप किया। सो आयोडीन में ग्रीन किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू में, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपका जो ये लीफ है ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया, सो इसका मतलब यहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ है, ग्रीन पार्ट्स पे फोटोसिंथेसिस हुआ है, ग्रीन पार्ट्स पे स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है आपका एक्टिविटी 6.4, ठीक है। 6.4 में इसमें भी आपने एक पॉटेड प्लांट लिया है, ठीक है। 6.4 में भी एक्टिविटी है, 6.2 एक्टिविटी 6.2 है, एक्टिविटी 6.2 में भी आपने पॉटेड, दो पॉटेड प्लांट्स लिए हैं। इसमें क्या है, सो एक ही साइज में इनको 3 दिन के लिए डार्क रूम में रख दो, फिर अब इन दोनों के बाजू में हर प्लांट के बाजू में एक ग्लास प्लेट रख दो, और एक प्लांट के बाजू में, मतलब देखो दो प्लांट्स हैं ना, ऐसे दो प्लांट्स हैं, ठीक है, ये प्लांट वन और ये प्लांट टू, ठीक है। सो एक प्लांट के बाजू में यहाँ पे वॉच ग्लास में या कांच के ग्लास में KOH रखो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखोगे, ठीक है। सो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा आपने, सो इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अच्छा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों रखा गया है, एक्चुअली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड है, ठीक है। सो वो मतलब अब क्यों रखा गया है आपको पता लगेगा। सो जब प्लांट मतलब क्या करेगा, प्लांट फोटोसिंथेसिस करने की कोशिश करेगा। सो प्लांट फोटोसिंथेसिस करने की कोशिश करेगा तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है इतना ज्यादा रिएक्टिव है, उसका कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, ठीक है। जो पॉट ए है, पॉट ए में जो वॉच ग्लास पड़ा हुआ है, मतलब जो कांच की प्लेट पड़ी हुई है, उसमें क्या है, उसमें है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इतना ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड है कि वो उससे उसकी कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, ठीक है। सो नाउ प्लेस ईच ग्लास प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट, प्लेस वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम बाय द साइड ऑफ वन ऑफ द प्लांट्स, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, कवर बोथ प्लांट्स विद सेपरेट बेल जार्स, यूज वैसलीन टू सील द बॉटम ऑफ द जार्स टू ग्लास पे। सो अच्छा नीचे वैसलीन भी यूज करना, बिल्कुल अच्छे से कवर करना है, ठीक है। अब इसको मतलब इस प्लांट को एकदम बेल जार में, मतलब एक जार में कवर कर देना है इस प्लांट में, भाई जो भी वो अंदर हो, और नीचे वैसलीन लगा देनी है, भाई नीचे एकदम एयर टाइट कर देना, एयर आए नहीं उसमें, ठीक है। कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 आवर्स, प्लक अ लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ठीक है। अब कह रहा है अब स्टार्च की प्रेजेंस चेक करो, तो जो आपने जो लीफ ए प्लांट ए में, पहले देखो कहीं पे भी स्टार्च की प्रेजेंस चेक करनी है ना, उसको 3 घंटे डार्क रूम में रख रहे हैं, फिर 6 घंटे सनलाइट में रख रहे हैं, ठीक है। भाई पहले कुछ हुआ हो, कार्बोहाइड्रेट बना हो, भाई अब सेम हो जाए, दोनों जब सेम हो जाते हैं उसके बाद उनको फिर सनलाइट में रखा जाता है, ठीक है। अच्छा अब कह रहा है आयोडीन से चेक करो कि इसमें स्टार्च है कि नहीं। सो जो आपने प्लांट ए का लीफ तोड़ा होगा, सो अगर उसको आप आयोडीन में डिप करोगे तो प्लांट ए का लीफ ब्लू में कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब उसमें स्टार्च नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जो प्लांट बी का आपने लीफ तोड़ा होगा उसमें फोटोसिंथेसिस हुआ होगा, उसमें जो वो कलर है वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया होगा, इसका मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। सो इसमें क्या दिखा रहा है कि भाई फोटोसिंथेसिस वहां क्यों नहीं हो पाया, पॉट ए में क्यों फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया, क्योंकि उस लीफ में कार्बन डाइऑक्साइड था ही नहीं, क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर गया, ठीक है। सो दोनों इस एक्टिविटी में आपने कार्बन डाइऑक्साइड का यूज देखा, एक्टिविटी 6.2 में, 6.4 में, फिगर 6.4 एक्टिविटी 6.2 में आपने कार्बन डाइऑक्साइड का यूज देखा, ठीक है। भाई कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस का भाई कितना इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखा, और आपने जो एक्टिविटी 6.1 है उसमें आपने देखा कि भाई जो ग्रीन कलर ऑफ प्लांट है वहां फोटोसिंथेसिस हुआ, वहां स्टार्च पाए गए और नहीं हुआ, ठीक है। तो ग्रीन कलर ऑफ प्लांट मतलब जहां क्लोरोफिल है, मतलब दोनों एक्टिविटी 6.1 में आपने क्लोरोफिल का इंपॉर्टेंस देखा और एक्टिविटी 6.2 में आपने कार्बन डाइऑक्साइड का इंपॉर्टेंस देखा, ठीक है। सो ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए की थी, इसमें खैर आपको बस पता होना चाहिए एक्टिविटी 1 में क्या हुआ, एक्टिविटी 1 का ऑब्जर्वेशन, खाली ऑब्जर्वेशन लिख लो आप एक्टिविटी 6.1 6.2 का, मैं डिक्टेट कर रही हूँ, खाली ऑब्जर्वेशन लिख दो बच्चों, एक्टिविटी 6.1, सो मैं पेज 96 पे, सो क्या लिखोगे, टू शो
पार्ट ऑफ द लीफ मेक्स स्टार्च। ये एक्टिविटी में क्या दिखाना है कि भाई जो लीफ में क्लोरोफिल वाला पार्ट होता है वही स्टार्च बनाता है, वही फूड बनाता है, कार्बोहाइड्रेट वही बनाता है। जिस लीफ जिस पार्ट में क्लोरोफिल होगा वही स्टार्च बनाएगा, ठीक है। सो एक्टिविटी तो मैंने आपको पहले बता दी थी सारी, कि भाई मनी प्लांट लेना है, डार्क रूम में रखना है 3 दिन तक, और सारा इस तरह से भाई डार्क रूम में सारा जो स्टार्च है वो यूजअप हो जाए। फिर इस प्लांट को हमें सनलाइट में रखना है 6 घंटे के लिए, लीफ निकालना है और ग्रीन एरियाज को मार्क करना है। अब इसको उबलते हुए पानी में कुछ मिनटों के लिए डालना है, फिर एक अल्कोहल के बीकर में इसको डालना है, ठीक है। सो केयरफुली प्लेस द अब इन अ वाटर बाथ एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगिंस टू बॉइल, ठीक है। अल्कोहल बॉइलिंग अल्कोहल में डालना है, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस टू द कलर ऑफ लीफ, लीफ का क्या होगा, सॉल्यूशन का क्या होगा, ठीक है। अच्छा सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन है, अल्कोहल का सॉल्यूशन है, इसको अल्कोहल के सॉल्यूशन में डुबोया जा रहा है लीफ को। सो सॉल्यूशन का क्या होगा, सॉल्यूशन में आपने लीफ उसमें उबाला ना, सो लीफ का जो जितना भी ग्रीन कलर होगा क्लोरोफिल का वो सारा उस अल्कोहल में ही आ जाएगा, ठीक है। सो फिर इसके बाद आयोडीन में डालना है इसे, ठीक है। सो सॉल्यूशन द सॉल्यूशन विल बिकम ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ड्यू टू मतलब द सॉल्यूशन विल बिकम ग्रीन ड्यू टू क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल का ग्रीन कलर सॉल्यूशन में आ जाएगा। पूछ रहा है व्हाट विल हैपन टू द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन विल बिकम ग्रीन ड्यू टू क्लोरोफिल, ठीक है। सो ये एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन क्या है, ओनली ग्रीन कलर पार्ट ऑफ द लीफ गॉट द ब्लू कलर विद द आयोडीन सॉल्यूशन व्हाइल द व्हाइट पोर्शन ऑफ द मनी प्लांट लीफ डज नॉट गेट ब्लू कलर। मतलब खाली जो ग्रीन कलर्ड पार्ट था उसने ही वही स्टार्च बनाएगा, बाकी दूसरा जो पार्ट है प्लांट का वो स्टार्च नहीं बनाएगा, मतलब वो ब्लू में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। आयोडीन टेस्ट करेंगे, आयोडीन टेस्ट क्यों की जाती है, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च के लिए। 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था आपने, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च देखना हो तो आयोडीन टेस्ट की जाती है। सो इसमें जब आपने आयोडीन टेस्ट की तो आपको पता लगा कि भाई ब्लू कलर में कन्वर्ट हुआ, मतलब उस पार्ट पे फोटोसिंथेसिस हुआ है, और जो जो चेंज नहीं हुआ ब्लू कलर में उस पार्ट में नहीं हुआ है। कंक्लूजन क्या है, इन दिस एक्सपेरिमेंट वी सी दैट ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ टर्न्स ब्लू विद आयोडीन, सो वी कैन से दैट ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ फोटोसिंथेसाइज एंड प्रोड्यूस स्टार्च। तो इसलिए हम बोल सकते हैं जो खाली ग्रीन कलर है वही फोटोसिंथेसाइज होता है और वही स्टार्च प्रोड्यूस होता है। सो ये एक्टिविटी है, एक बार आप रीड कर लेना, भले ड्राइंग मत करना, एक बार रीड करके, पर एक्टिविटी 6.1 का ये भाई ये ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन लिख लेना, ठीक है। बाय चांस कभी एग्जाम में आ जाए तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। सेम अभी हम एक्टिविटी 6.2 का भी ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन डिस्कस करते हैं। बच्चों अभी एक्टिविटी 6.2 देखो, एक्टिविटी 6.2 पेज 97 पे है। सो वो एक्टिविटी इस तरह से भाई, एक्टिविटी में क्या करना है, टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस एंड स्टार्च फॉर्मेशन। इस एक्टिविटी में क्या दिखाना है कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस और स्टार्च फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। पहली एक्टिविटी में क्या था कि भाई जो क्लोरोफिल है वो जरूरी है, पहले में क्या था, क्लोरोफिल द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च। इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी, ठीक है, मतलब दोनों एक्टिविटीज फोटोसिंथेसिस से जुड़ी हुई हैं। सो एक्टिविटी 6.2 आपकी है पेज नंबर 97 पे, ठीक है। सो फिगर बनी हुई है इस एक्टिविटी में और सारा मेथड भी लिखा हुआ है, ठीक है। मैं खाली आपको ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन लिखा देती हूँ, ठीक है। आप ये एक्टिविटी का खाली ये जो एम है ऊपर एम और उसका ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन लिख देना, बट बाय चांस कभी एग्जाम में ऐसे पूछ लें कि शो द एक्टिविटी शोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड फोटोसिंथेसिस, तो एक्टिविटी 6.1 लिखनी है और फिर उसका ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन लिखना है। फिर एक्टिविटी 6.2 अगर आपसे पूछा जाता है, टू शो द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्टार्च फॉर्मेशन, तो उसके लिए आप ये वाला लिख सकते हो। सो ऑब्जर्वेशन क्या है इसमें, लीफ ऑफ प्लांट कैन विदाउट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू विद आयोडीन सॉल्यूशन। तो ऑब्जर्वेशन ये है कि जिस प्लांट के लीफ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं पड़ा था, वो कांच वो साइड में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था ना पॉट बी में, ये देखो पॉट बी में, ये जो पॉट बी है इस पॉट बी में यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं पड़ा है। सो इस प्लांट में
वो ब्लू हो जाएगा कन्वर्ट, मतलब आयोडीन सॉल्यूशन, अगर आयोडीन सॉल्यूशन डालने से अगर सब्सटेंस ब्लू कलर हो जाता है, इसका मतलब उस सब्सटेंस में स्टार्च है, ठीक है। सो प्लांट विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डज नॉट टर्न्स ब्लू, ठीक है। और पर जिस प्लांट में हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा है वो ब्लू नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसकी कार्बन डाइऑक्साइड तो उस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने अपने साथ रिएक्ट करा दी। सो यहाँ देखो, KOH इज हाईली रिएक्टिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज हाईली रिएक्टिव कंपाउंड, इट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म्स इट कार्बोनेट। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, कार्बोनेट बनाता है और वाटर बनाता है। सो कंक्लूजन क्या है इस एक्टिविटी का? दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस एंड स्टार्च फॉर्मेशन। जो कार्बन डाइऑक्साइड है फोटोसिंथेसिस और स्टार्च फॉर्मेशन के लिए जरूरी है, ठीक है। सो आज हमने ये पढ़ा, हमने आज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा, ठीक है। पहला टॉपिक ही न्यूट्रिशन है, उसमें हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन अमीबा और फिर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अमीबा का न्यूट्रिशन तो आप मेरे ख्याल से 7th में पढ़ के आए हो, और डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स भी आपका देखा हुआ है, कोई नया टॉपिक नहीं है, वो भी मेरे ख्याल से 7th में कवर हो गया था। पर अभी ये दो टॉपिक न्यूट्रिशन में बाकी हैं, तो आज मोस्टली हमने खाली प्लांट का टॉपिक ही कवर किया है। अच्छा, अभी हम इससे रिलेटेड थोड़े एक्सरसाइजेस, ब्लूप्रिंट और एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सो वो आपको भी लिखने हैं, ठीक है, मैं डिक्टेट करती हूँ पर वो आपको लिखने हैं, ठीक है। सो पहले ब्लूप्रिंट हम कवर करते हैं। ब्लूप्रिंट है आपका, इसका ब्लूप्रिंट, पहले ब्लूप्रिंट पेज नंबर 95, पेज नंबर 95 वाला ब्लूप्रिंट कवर करते हैं। पेज नंबर 95 में क्वेश्चन 1, ठीक है। व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस। देखो, डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन की सिंपल डेफिनेशन बायोलॉजी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। जो छोटे छोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास एक सिंगल सेल के बने हुए होते हैं, वो गैसेस का एक्सचेंज ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। एक ही सेल होता है, सो उनके बाहर का सरफेस ही होता है, ठीक है। सो सेल ओपन होता है बाहर के लिए, सो वो आराम से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है, सो डिफ्यूजन प्रोसेस से ही हो जाता है। पर हम ह्यूमन बींग्स के लिए इतना ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर सेल्स होते हैं, फिर टिश्यूज होते हैं, हमारा थोड़ा कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन है। सो हमको डिफ्यूजन से हमारा जो इनटेक, भाई ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है या गैसेस का एक्सचेंज, हमारा इतनी आसानी से नहीं हो पाता। सो वही हमको क्वेश्चन है, वाई, क्यों। सो आंसर लिखेंगे, लिखें आंसर। अनलाइक कॉमा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कॉमा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एनवायरमेंट, हैंस डिफ्यूजन cannot meet their oxygen requirements as per their body needs, ठीक है। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की तरह जो मल्टीसेलुलर है उनके पास एक ही सेल नहीं होता है, वो ओपनली एनवायरमेंट के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, सो उनकी बॉडी विजन इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि वो उससे उनका भाई वो इस तरह से एक्सचेंज नहीं कर सकते, ठीक है। उनकी जो डिजाइन है वो कॉम्प्लेक्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव, कोई जिंदा है, कोई अलाइव है, उसके लिए कौन से क्राइटेरियाज हम फिक्स करते हैं, कोई जिंदा है उसके लिए क्या क्राइटेरियाज हैं। सो आंसर इज, आंसर विजिबल मूवमेंट्स लाइक ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉमा ग्रीन कलर ऑफ प्लांट्स और रनिंग ऑफ एनिमल्स एक्सेट्रा आर द मेन क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट, ठीक है। सो जो दिखता है, ठीक है, जो विजिबल मतलब ग्रोथ, अगर कोई ऑर्गेनिज्म बढ़ता हुआ दिख रहा है
या दौड़ता हुआ दिख रहा है तो हम कहेंगे जिंदा है, या जो प्लांट्स हैं वो ग्रीन कलर के हैं, मस्त उग रहे हैं, हम कहेंगे जिंदा है। ठीक है, सो किसी भी जीवित वस्तु के लिए, कोई जिंदा है उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, विजिबल ग्रोथ, जो हमें दिख रही है, ठीक है, जो आप देख सकते हो वो ग्रोथ, तो फिर हम कहेंगे वो अलाइव है। ठीक है, क्वेश्चन 3, वॉट आर आउटसाइड रॉ मटीरियल्स यूज फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म को कौन से रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है, एक्टिविटीज के लिए क्या चाहिए होता है। ठीक है, सो आंसर है, आंसर फूड एंड ऑक्सीजन आर द बेसिक रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। फूड मतलब कार्बन से बनी हुई चीज, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इस तरह से। सो फूड मतलब फूड और ऑक्सीजन, ठीक है, ये दोनों चीजें चाहिए होती हैं हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को। फूड क्यों चाहिए होती है, एनर्जी के लिए, ताकि वो बॉडी प्रोसेसेस कर पाए। ऑक्सीजन क्यों चाहिए होती है, सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, सो ऑक्सीजन से वो फूड को ऑक्सीडाइज करता है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है। ऑक्सीडाइज इज यूज फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, और इसी से वो सर्वाइव कर पाता है। सो दो रॉ मटेरियल्स, दो चीजें इंसान को चाहिए, फूड और ऑक्सीजन। ठीक है, रॉ मटेरियल्स इंसान नहीं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को दो चीजें चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। अगर आप लाइफ मेंटेन करना चाह रहे हो, एक लाइफ, आपकी लाइफ मेंटेन करने के लिए कौन से चार प्रोसेसेस एसेंशियल है, जब चैप्टर चालू हुआ था तभी मैंने बोला था। सो द फोर बेसिक प्रोसेसेस दैट आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ आर, 1 न्यूट्रिशन, 2 रेस्पिरेशन, 3 ट्रांसपोर्टेशन एंड 4th इज एक्सक्रीशन। ठीक है, सो ये चार लाइफ प्रोसेसेस आपको चाहिए अगर आप मेंटेन करना चाहते हो अपनी लाइफ। फिर से, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, सो दीज आर द फोर लाइफ प्रोसेसेस। अच्छा, इसके बाद हम पीछे आ जाते हैं पेज 101 पे। पेज 101 पे ब्लूप्रिंट का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1। ठीक है, क्वेश्चन 1, ठीक है, सो क्वेश्चन 1 क्या बोलता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हिटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हिटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बीच का डिफरेंस क्या है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हिटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो आपको डिफरेंस लिखना है, आप किस तरह से लिखोगे, आप एक इस तरह से लाइन बना दो, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक और हिटरोट्रॉफिक की लाइन बना दो, ऑटोट्रॉफिक और हिटरोट्रॉफिक। ठीक है, पहला, ठीक है, जो ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक, सो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पहला डिफरेंस लिखो, ऑटोट्रॉफिक के साइड लिखो, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन फूड इज प्रिपेयर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ। फूड इज प्रिपेयर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ, और सामने लिखो, फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। यहाँ क्या लिखोगे, फूड इज प्रिपेयर्ड बाय ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ, और इसमें फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से लिया जाता है। ठीक है, फिर दूसरा डिफरेंस लिखो, द रॉ मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, द रॉ मटीरियल्स आर नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, सो इधर इनको रॉ मटीरियल्स चाहिए होते हैं, ठीक है, उनको वहां, यहाँ रॉ मटीरियल्स चाहिए होते हैं, यहाँ उनको नहीं चाहिए होते हैं। सो द रॉ मटीरियल्स आर रिक्वायर्ड बाय एन बाय द ऑर्गेनिज्म, द रॉ मटीरियल आर नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, द रॉ मटीरियल्स, खाना बनाने के लिए, ठीक है, खाना बनाने की बात हो रही है। अभी इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया था, मैंने बोला था हमारी बॉडी के लिए रॉ मटेरियल्स, अब मिक्स मत करना, आप कहोगे कि आपने अभी तो बोला कि बॉडी को रॉ मटेरियल चाहिए, तो बॉडी को रॉ मटेरियल
एनर्जी का और ऑक्सीजन का चाहिए, फूड और ऑक्सीजन का चाहिए, ठीक है। खाना बनाने के लिए रॉ मटेरियल, तो यहाँ तो ये खाना खुद बना ही नहीं रहा है तो उसको रॉ मटेरियल खुद को क्यों चाहिए होगा, ठीक है। सो द रॉ मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, रॉ मटेरियल चाहिए ने आर रिक्वायर्ड और यहाँ पे रॉ मटेरियल्स आर नॉट रिक्वायर्ड। थर्ड नंबर है डाइजेशन प्रोसेस इज एब्सेंट और इधर डाइजेशन प्रोसेस इज देयर, ठीक है। डाइजेशन प्रोसेस इज नॉट डन हेयर और डाइजेशन प्रोसेस इज डन हेयर। ठीक है, यहाँ डाइजेशन प्रोसेस नहीं होता है, जो ऑटोट्रॉफिक है यहाँ नहीं होता है और यहाँ होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है दे आर नोन एज प्रोड्यूसर्स और दे आर नोन एज कंज्यूमर्स। लास्ट फोर्थ, ये लोग क्या कहे जाते हैं, ऑटोट्रॉफ प्रोड्यूसर्स कहे जाते हैं क्योंकि ये खाना प्रोड्यूस करते हैं, और ये क्या कहे जाते हैं, दे आर नोन एज प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स मतलब खाना प्रोड्यूस करने वाले, और हेटरोट्रॉफ को क्या कहा जाता है, दे आर नोन एज कंज्यूमर्स, ठीक है। एक और पॉइंट लिख सकते हो, फिफ्थ पॉइंट भी, कि दे यूज क्लोरोफिल, दे कंटेन क्लोरोफिल, और यहाँ हेटरोट्रॉफ्स में दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नहीं है तभी तो खाना खुद नहीं बना सकते, क्लोरोफिल होता तो खुद नहीं बना लेते। सो क्या लिख सकते हो, दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, ठीक है। सो इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, इनमें नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन टू देखो, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स को जो फोटोसिंथेसिस में जो जो चीजें चाहिए होती है वो कहाँ से मिलती हैं, ठीक है। सो प्लांट को पहले तो रॉ मटेरियल कौन सा चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, दो ही चाहिए होते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर, तो कहाँ से मिलता है, तो लिखिए आंसर, आंसर कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन अप थ्रू द स्टोमेटा फ्रॉम द एटमोस्फेयर इन केस ऑफ लैंड प्लांट्स, LAND लैंड प्लांट्स। अगर लैंड प्लांट्स हैं, अगर जमीन वाले प्लांट्स हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेंगे, एटमोस्फेयर से लेंगे स्टोमेटा की मदद से। और आगे लिखो, वाइल द एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स का मतलब जो नदी वगैरह में प्लांट्स होते हैं, वाइल द एक्वेटिक प्लांट्स टेक अप CO2 डिजॉल्व्ड इन वाटर, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो CO2 पानी में से लेते हैं, और जो लैंड प्लांट्स होते हैं, टेरिस्ट्रियल प्लांट्स भी कहा जाता है, सो जो लैंड प्लांट्स होते हैं वो CO2 स्टोमेटा की मदद से एटमॉस्फेयर से लेते हैं, और जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो CO2 वाटर से लेते हैं, डिजॉल्व वाटर से, ठीक है, क्योंकि पानी में ही वो कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ होता है। फिर सेकेंड है, अच्छा तो कार्बन डाइऑक्साइड तो आ गया, और दूसरा रॉ मटेरियल क्या चाहिए होता है, वाटर, ठीक है। सो सेकेंड है, वाटर इज एब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अच्छा, ऑस्मोसिस क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम द लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन, ऑस्मोसिस ट्रांसफर ऑफ वाटर होता है, और डिफ्यूजन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ गैसेस, ऑस्मोसिस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है। सो वाटर इज एब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस एंड इज ट्रांसपोर्टेड
टू द लीव्स कंटेनिंग फोटोसिंथेटिक सेल्स बाय द जाइलम वेसल्स। ठीक है, फिर ये क्या होता है, ये जो वाटर है वो सारे लीव्स तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, जाइलम सेल्स की मदद से पानी नीचे से ऊपर पहुंचाया जाता है। ठीक है, जाइलम वेसल्स किस काम आते हैं, पानी वगैरह न्यूट्रिएंट्स वगैरह पहुंचाने के लिए। ठीक है, सो पानी जो है नीचे से ऊपर जाइलम की मदद से लाया जाता है लीव्स के पास। अच्छा, इसके बाद एक आपका लास्ट, एक इससे मैं टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन ही डिस्कस कर रही हूँ आप लोग से। सो एक और है आपका एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस में पेज नंबर 113। ठीक है, पेज नंबर 113 पे उसमें सेकंड नंबर एमसीक्यू है, पेज नंबर 113 पे सेकंड नंबर एमसीक्यू है, वो है फ्रॉम विच, सेकंड नंबर एमसीक्यू है 113 पे, द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। ठीक है, जाइलम क्यों होते हैं प्लांट्स में, सो आंसर है ए, अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में टिक करो, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, अभी अभी आपने पढ़ा वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए लगते हैं। फिर थर्ड नंबर, द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स, सो आंसर क्या है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर क्लोरोफिल सनलाइट, तो डी ऑल ऑफ द अबव, सब कुछ चाहिए, ऑटोट्रॉफिक में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए। ठीक है, इसके बाद सीधा क्वेश्चन नंबर 12th पे आ जाओ, 12th। अच्छा, ये हम ट्रांसपोर्टेशन आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, सो यही हम खत्म करते हैं, ये जो एमसीक्यूज थे ये तो आपको यहीं टिक करने थे। मोस्टली जितने भी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए मोस्टली मैंने व्हाइट बोर्ड पे सब लिखा, जो नहीं लिखा सिर्फ मैंने डिक्टेट किया, वो भी आपको लिखना है ब्लू प्रिंट के, और जो भी मैंने डिस्कस किए और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपकी टेक्स्ट में टिक करना। ठीक है, प्लीज सब कुछ अच्छे से करिएगा और ध्यान से करिएगा। चलें, थैंक यू।